How to fix Samsung S7 एयर स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर एयर स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी एयर स्पीकर जो है उसमें आपको कोई वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर आपके एयर स्पीकर जो है यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है किसी भी तरीके का, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको यहाँ पर दोस्तों हार्डवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसके वजह से आपके एयर स्पीकर काम नहीं कर रहे। और दोस्तों यहाँ पर इतना ही नहीं, जो जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं उसका माइक्रोफोन अगर ख़राब है तो भी आपको वॉइस सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्फर्म करने के लिए किसी भी दूसरे नंबर पे या फिर दूसरे मोबाइल पे कॉल करके देखे। अगर आपने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस में कॉल करके देखा जहाँ पर एयर स्पीकर उनका जो माइक्रोफोन है काम कर रहा है, सिर्फ आपके एयर स्पीकर में ही प्रॉब्लम है, तो फिर दोस्तों सॉल्यूशन आपके मोबाइल पे ही करना होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे जो एयर स्पीकर है उसमें कोई वॉइस सुनाई नहीं देता और हमें लगता है कि एयर स्पीकर ख़राब है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या रहते हैं, दूसरों का माइक्रोफोन ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले कॉन्फर्म करना है कि आपके जो एयर स्पीकर है वो ख़राब है या नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर एयर स्पीकर ख़राब हो जाते तो एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करें, अपना सिम को इजेक्ट करें, इंसर्ट करें, ठीक है, इससे नेटवर्क भी आपका यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। तो सिम कार्ड को बाहर पे निकाल के आपको दोबारा से उसको अच्छे तरीके से प्लेस करना है, क्योंकि दोस्तों कई बार उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो आप ये करके देखिए, रिस्टार्ट करके देखिए अपने मोबाइल को, अगर काम कर जाते हैं ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों जाइए सेटिंग पर, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें, जनरल मैनेजमेंट पर जाके आपको रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करके रीसेट सेटिंग पर दबा देना है और मोबाइल पासवर्ड देके रीसेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है ऐप्स पर, ऐप्स पर जाके दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है फ़ोन सर्विस, ठीक है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। तो फ़ोन सर्विस पर जाएँ, स्टोरेज ऑप्शन ओपन करें, क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है, डेटा क्लियर करना है, और परमिशन पर जाके सारे परमिशंस अलाउ कर देना है। तो सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आप जो है अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करें, कॉल प्लेस करने की कोशिश कीजिए, चेक कीजिए दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक फाइनल सॉल्यूशन करके देखें, अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अगर हार्डवेयर के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद 100% प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी फिक्स नहीं होते तब तो फिर दोस्तों हार्डवेयर का इशू होगा। तो आप दोस्तों कुछ दिन के लिए एयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पीकर, ठीक है, कॉल स्पीकर पर कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हार्डवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने आप तो फिक्स नहीं होगा, तो किसी भी टेक्नीशियन के पास जाके आपको रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्नीशियन के पास जा सकते हैं या फिर सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाके दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसको जो है रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको वॉइस सुनाई देगा, आपका ईयर स्पीकर काम करेगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।